हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली डांस में। मेरा नाम है अजय। जैसे कि आप जानते हो, मेरे साथ है द लेजेंड महेश दा। और आज हम लोग जा रहे हैं, आज कुछ चल लो हम ही चल लो आज खेलो इंडियाच्या स्टेडियमवर। ॲक्च्युली स्टेडियमचं नाव नाही माहिती आम्हाला, आम्ही त्याला खेलो इंडिया बोलतो। तर भेटू तिकडे। हा आमचा रूम एकदम स्वच्छ एकदम स्वच्छ। बॉयज के रूम खराब होते लेकिन कार नहीं। wow! तो मिलते हैं स्टेडियम पे। ट्रैवलिंग का भी कुछ शॉर्ट्स दिखाऊंगा आपको। हमारी फाइनली कार आ चुकी है। अंदर बैठी अनु और महेश दा जस्ट बैठा है। अभी मैं बैठूंगा। करना भाई, बेइज्जती हमेशा कर रहा था ये बंदा मेरी। हाय अनु। तो जैसे कि हम लोग पहुंच गए स्टेडियम में। ये स्टेडियम का नाम तो नहीं पता मेरे को, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। पीछे पूरा स्टेडियम है, वहाँ पे हमारा रिहर्सल्स वगैरह होता है, रूम भी दिया है। और यहाँ पे पीछे टेंट है, जहाँ पे टेंट है जहाँ पे डांसर्स रिहर्सल करते हैं। ये दादा और अनु है वहाँ पे। ये रहा स्टेडियम। आई थिंक ये रेसिंग का है, मतलब रनिंग वाला। तो दोस्तों, अभी हम लोग आए हैं टेंट में जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे हरियाणा के गर्ल्स और बॉयज़ भी आ चुके हैं और अनु अटेंडेंस ले रही है। तो आपको भी दिखाता हूँ कि कितने और कैसे हम लोग अटेंडेंस लेते हैं। तो 30 गर्ल्स 30 बॉयज़ है, उसमें से आधे लोग कोई कोई मिसिंग है। तो जैसे वो लोग पूरे हो जाएंगे हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। ये आधे गर्ल्स और बॉयज़ आ गए, अभी ये लेट है सारे। अभी हम लोग थोड़ी देर में प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, अभी ये लोग का ना टटिंग सेक्शन स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली काउंट ले रहा हूँ तो मैं नहीं शूट कर सकता क्योंकि उतना टाइम नहीं हमारे पास। वहाँ पे अनु और महेश दा है जो साउंड कनेक्शन और जो ये कूलर है इसका कनेक्शन ढूंढ रहे, क्योंकि ये बंद है। देखिए, यहाँ पर हमने ये प्रॉपर 3 पे रखा है, ये कूल पे रखा है, फिर भी ये ऑफ है। और ये बहुत इतना माइंड ब्लोइंग कूलिंग होता है ना यहाँ से, मतलब सुपर। तो हमने फिलहाल फैन हो गया। टेंट बहुत बड़ा है जैसे कि देख सकते हो। अभी हम लोग एक फॉर्मेशन ट्राई कर रहे हैं। वहाँ पे है तेजस और ये है पूरा टीम और वो है योगेश दादा। तो पूरा ट्राई कर रहे हैं और गाना अब फुल इंडिया एकदम खतरनाक वाला फिलहाल है। सब लोग गाना बोल रहे हैं और मेरे को भी नहीं मालूम पड़ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बाकी का ब्लॉग मैं तुम्हें जल्दी बताऊंगा कि हम लोग एग्जैक्ट क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अभी हम लोग ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे हज़ारों लोग आए हुए हैं। बस हम लोग भी इतने सारे लोग हैं और ये बहुत बहुत बड़ा ग्राउंड है। जैसे सर रिहर्सल आगे बढ़ेगा वैसे सर मैं आपको दिखाऊंगा। और ये माइंड ब्लोइंग फील है, बहुत बहुत बड़ा ग्राउंड के सेंटर में। जैसे कि आप देख सकते हो, ये भी सब हमारी टीम से है। इसका नाम है सूरज। बहुत ही कम शूट करने के लिए मिल रहा है। और अभी तेजस भाई और महेश भाई अभी सब रिहर्सल्स कर रहे हैं। स्टेज रिहर्सल्स होता है, कैसा आना है कैसा, क्योंकि स्टेज पूरा अलग है ग्राउंड के बीच में। ये योगेश दादा है द लेजेंड और ये पूरा बड़ा ग्राउंड है। और आधे आधे लोग ऐसे उतरेंगे तो उसका रिहर्सल चल रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है, मतलब कैसे उतरना है कैसे क्या उतरना है। तो जितना हमको मिल रहा है उतना हम लोग शूट कर रहे हैं।
देखो ये गर्ल्स कैसे आई, अभी आधी यहाँ से ऐसे आएगी। सो अभी रात का टाइम हो गया है, हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं, किसी ने भी कोरियोग्राफी टीम से ब्रेक नहीं लिया है ना कोरियोग्राफर्स ने। हमारे डांसर्स आप पीछे देख सकते हो, उनको वहाँ से इस स्टेज पे आना जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। इसी से और तेजस भाई अखाड़े की मिट्टी तो अभी देखते हैं कैसा होने वाला है, मालूम नहीं क्या कर रहे हैं हम लोग। बहुत टफ है, पूरा टाइमिंग का खेल है, और जिस दिन ये शो आएगा आप लोग पागल हो जाएगा देख के। ये खिलाड़ी एक प्रगतिशील कर रहे हैं माटी से लेकर मैट तक। अभी अभी जस्ट हमारा पोजीशन मार्किंग हो गया है, फिर से हमें पोजीशन करना पड़ेगा, मार्किंग अलग से करना पड़ेगा, सब ऐसा सीन हो रहा है। और बहुत क्योंकि हम लोग एटलीस्ट मतलब हम लोग यहाँ से भाग रहे हैं। अभी देखो तेजस भाई लोग सब यहाँ से पोजीशन मार्क कर रहे हैं, वो स्टेयरकेस दिख रहे हैं आप, हाँ वाह वो वाला, ये वाला, यहाँ से वो लोग सेंटर से वो स्टेज तक जा रहे हैं, तो पूरा मार्किंग वहाँ तक करो। तो अभी फिर से हम लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब सर बता रहे सब कैसे करना है क्या करना है, और डांसर्स को कोई कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, जैसे वो लोग सब बात कर रहे हैं। स्ट्रेस है लेकिन सच में बहुत मज़ा आ रहा है शो करने के लिए, माइंड ब्लोइंग शो है। अभी देखते हैं पैकअप होने के बाद फिर घर जाते टाइम आपको प्रॉपर बताऊँगा कैसे करते क्या करते हैं, बहुत मज़ा आया बहुत बहुत। हम लोग प्रैक्टिस कर करके काफ़ी थक गए, डांसर्स देखो सब हवा टाइट है, हम लोगों ने खाना वाना कुछ नहीं खाया है, नहीं नहीं किया, सब थक गए। माझ्या बाजूला आहे अनु, काय बोलणार आजच्या बद्दल एक्सपिरियन्स वाईज? खूप भसड होती पण बरंच काम झालंय, आणि आता फक्त गरम कॉफी पाहिजे बस। हॉटेल मधली जी आमची फिक्स आहे, नीड कॉफी ऑन द फ्लोर। अनु कमी बोलते हैं पण खूप टॅलेंटेड आहे, खूप इन्स्पायरिंग पोरगी आहे, म्हणजे मी जेवढ्या लोकांसोबत बोलले त्याच्यामध्ये खूप माइंड ब्लोइंग पोरगी आहे। सो आता आम्ही हॉटेलवर जाऊ, तेव्हा तुम्हाला बाकी सगळं सांगतोय। डान्सर्स बघा सगळे सो जाताना भेटू, आता मी जास्त शूट नाही करू शकत किंवा मला करायला भेटत नाही कारण की खूप प्रेशर आहे। ओके इसका काम हो गया है, बहुत ही पटी पड़ी है, पटी पड़ी है, खाना पी रहे हैं कुछ नहीं, गाड़ी भी आ गई है, मैं चाय पी के निकले हैं हम लोग। आज क्या बोलना है, आज बहुत थक गए, बहुत बहुत टायरिंग डे था आज, बहुत प्रोडक्टिव डे था बट आज थक गए। आप दादा का आवाज देख सकते हो, मतलब गया है पूरा पूरा गया है। ठीक है तो ये गाड़ी आई आमची, आता स्कॉर्पियो एक्स 13.40। आणि तुम्हाला कोणाला फोन पण लागत नाहीये। जैसे कि देख सकते हो आप दोस्त लोग कि ये है हमारे होटल पे जाने का रास्ता, इतना माइंड ब्लोइंग है ना, ये पूरा जंगल है और लिटरली जंगल है। यहाँ पे बताया हुआ है कि तेंदुआ बाद में हिरन ये सब चीज़ सब आते हैं यहाँ पे, तो बच के रहना, बच के रहना मैंने मेरी तरफ से ऐड किया है, एक्चुअली कुछ और वर्ड है। ये हमारा होटल दिखता हुआ राइट साइड में, और यहाँ पे गए हम, बहुत ही खूबसूरत है, आ गया रेड फूड। वाओ मेरे कैमरे की क्लियरिटी कितना खराब है, सो दोस्तों हम लोग फाइनली होटल पे आ चुके हैं। आज का दिन बहुत स्ट्रेस वाला था लेकिन सीखने वाला उससे ज़्यादा था, और बहुत मज़ा आया क्योंकि एक तो था फ्लोर पे डांस करना जो सबको मालूम है, और ये अलग डांस होता है, मतलब जो फ्लोर के पीछे वाले डांसर जो होते हैं डांस होता है जिसमें प्रॉप रखना प्रॉप उठाना और बहुत सारा टाइमिंग होता है उसमें, और वो भी टाइमिंग पे पहुंचना है, मतलब आपके हाथ में जादू से प्रॉप नहीं आता है, आपको प्रॉप लेके जाके परफॉर्म करना होता है। तो वो सारी चीज़ आज एक्सपीरियंस करने मिली नए डांसर्स के साथ, जो मेरे पीछे बैठे द लेजेंड महेश दा, याद इतना चिल्ला है उनका गला पूरा बैठ चुका है, उनकी हालत प्रॉपर ख़राब हो गई थी, हमें कुछ नहीं, हम तो लीड मिलते तो हम लोग वैसे भागते हैं। वहाँ पे और एक डांस है जिसको बोलते हैं कि क्या बोलते दादा, मास कास्ट, तो मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आता तो सेकंड टेक में कर रहा हूँ दादा ने बोला तो वैसा कर रहा हूँ मैं, और वो इतना यूनिक और माइंड ब्लोइंग है ना, और वो मुझे लगता है कि बड़े बड़े शोज में होता है, एक बड़े ग्राउंड में होता है, आईपीएल जैसे इसमें,
तो वो मस्त एकदम, वो मुझे पहली बार देखने मिला और मैं चाहता हूँ कि लाइफ में वो करना है मुझे और मैं करूँगा क्योंकि बहुत बहुत मस्त है वो। तो आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, बहुत थक गए, हवा टाइट है, नहाना है, कपड़े भी डाले धोने के लिए, वो भी धोना है, ना पे लॉन्ड्री नहीं दे रहे, बहुत कंजूस है होटल वाले, लेकिन बहुत अच्छे है, खाना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।